गुर्बत इतनी आ गई इस हुकूमत ने की है, इतनी का आ गई है कि वो बेचारी मांगने पे भी मजबूर है। ये सारी ये वैसे टैक्सी है, सारा दिन घूमती है, गप्पा लगाती है, खाती है, पीती है, करवाती है सारे काम, कोई काम पे नहीं लगाएंगे, वो इस तरह ही फिरेंगे और भीख मांगेंगे, उसकी आदत नहीं छूटेगी। जो मजदूर लोग हैं उनका भी हक मार रहे हैं और इनको भीख नहीं मांगनी चाहिए। जो सही सलामत है उनको कमा के खाना चाहिए, जैसे कि लोगों के घर पे भी काम कर सकती हैं, भीख मांगना ही ज़रूरी नहीं है। तो गाड़ियों में ऐसे आके अपनी इज्जत लीलाम करना ये तो गलत बात है, मैं इस बात को नहीं अच्छा समझती। हुकूमत से मैं ये कहती हूँ कि जितनी भी गरीब औरतें हैं इनके ऐसे कोई वसाइल होने चाहिए कि ये भीख मांगने पर मजबूर ना हों, क्योंकि गुर्बत इतनी आ गई इस हुकूमत ने की है, इतनी का आ गई है कि वो बेचारी मांगने पे भी मजबूर है। उनके खामत जाते हैं काम पे, उनको काम मिलता नहीं है, वो घर आते हैं जब भूख के मारे, वो मजबूरी के तहत ये काम करती हैं। गरीब ऐसे सारे दुकान कोनी, सारे बच्चों की मजदूरी कोनी, तनख्वाहों को गरीब तो पिंदे से बेलने भी दे तो पिंदे से ना तो ऐसा सोने नहीं लगते, साडा भी दिल लाते घर पाओ पिछे निके निके बच्चे में कोई हीला वसीला नहीं, मुसलमाना दा भला थी वे जड़े अल्लाह दे नाम ते साकु दे देवे, सारिया चोरी दी ता हरकता कोनी, गरीबा ते दौर है हर कोई गरीबा तो पिंदे बचड़ा। अगर सवारी नीचे जाती अड्डे पे गाड़ी खड़ी है तो सामान तो रख के सवारी सामान तो नहीं लेके जाती, पीछे मांग ये मांगने वाले होते थे, जब पीछे आते हैं गाड़ी अंदर कोई चीज़ भी पड़ी हो तो वो कोशिश करते हैं उसको उठा के ले जाएं। जवान लड़की जो भी गलत है मेरे भाई गलत है बहुत ज़्यादा, भाई लड़कियाँ भाई लड़के हैं भाई ये सारी ये वैसे टैक्सी हैं, सारा दिन घूमती हैं, गप्पा लगाती हैं, खाती हैं, पीती हैं, करवाती हैं सारे काम। ये हुकूमत का काम है बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करें ऐसे बंदों की, कुछ उसको काम सिखाएं, उसको घर बैठे कुछ पैसे मिलेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेंगे, उस कोई पूछने वाला नहीं है, उनके साथ हर कोई मस्ती करता है तो इसका कसूर हुकूमत पे जाता है। ज़रूरी बात है जो मजदूर लोग हैं सिर्फ उसका हक बनता है, जो मजदूर नहीं है जो सेहतमंद है ठीक ठाक हैं वो तो अपना काम कर सकते हैं, उसका क्या ज़रूरत है कि वो अड्डे पर आएँ और वो भीख मांगें। इन्होंने तो एक धंधा बनाया हुआ है, एक माफिया बन चुका है। इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि औरत बेपर्दा घूमे फिरे। दूसरे नंबर पे औरत को हकूक ऐसे मिलने चाहिए कि वो अपनी चादर चार दीवारी में रहे, घर के अंदर पर्दे में रहे। सारा दिन लोग धुतकारते हैं उनको, गालियाँ भी देते हैं, बुरी तरह तरह की नज़रें, हर इंसान का दिल या दिमाग एक जैसा तो नहीं होता, वो कोई कैसी नज़र से देखता है, कोई कैसी नज़र से देखता है, यही है कि उसको अंदर रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए। ये जवान लोग जो भीख मांग रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं, इनके लिए अच्छा है कि कानून वाले इसको गवर्नमेंट इसको ख़त्म कर दे। हम तो बुरे हालात से उनको देखते हैं कि ये काम बिल्कुल बुरा है और अच्छा नहीं है इस्लाम के लिए। ये इंतहाई मायूब काम है, गलत है, नौजवान लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बुराई फैलती है, ये माशरे के लिए बहुत ही नुकसानदेह बात है और इसे मेहरबानी करें हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों का खुद बंदोबस्त करें और आवाम और लोगों के लिए अच्छा पैगाम दें।